हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं कुमार पवन यू ज्ञान वाला से आज आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। आपके घर में भी आरो होगा, आप भी इस तरह के समस्या से उलझते होंगे कभी कभी आपके घर जब टेक्नीसियन आते होंगे। तो ये मैं आरो का टेक्नीसियन भी हूँ और मुझे किसी किसी कस्टमर से बहस हो जाती है। जो कस्टमर कम जानकारी हैं, नए नए सब लड़के सब घर में सोचते हैं कि मैं ही जानकार हूँ, उनसे बहस इस बात को लेकर हो जाती है। कोई जैसे इसका स्पेयर पार्ट्स है वो मुझे खुद मिलता है, देखिए जैसे मेम्ब्रेन वगैरह हो गया, बहुत सारा सामान है जो मुझे खुद मान के चलिए आपकी कोई चीज़ 1900-2000 रुपए का मुझे पड़ रहा है, 1900 का, वो फ्लिपकार्ट या अमेजन पे 400-500 रुपए में नज़र आते रहता है। इस बात को लेकर मेरी कस्टमर से बहस हो जाती है। तो बहुत सारे कस्टमर समझदार होते हैं कि ऑनलाइन का क्या झमेला है, लेकिन कुछ लोग देख करके, जैसे भारत के लोग को तो मूर्ख बनाना आसान है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, बहुत सारी विदेशी कंपनियां अभी भी बना रही है। तो होता ऐसा है, ऐसा ख्याल मुझे भी आया था कुछ दिन पहले, तो मैंने भी कुछ परचेज किया था ऑनलाइन सामान। उसके बाद मुझे भारी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। मेम्ब्रेन एक बार परचेज किया था तो उसको लगा दिया कस्टमर के यहाँ, उसके बाद TDS ही कम नहीं हुआ। मैं लगा कर चला आया कि भाई एक दो दिन देख लेते हैं, TDS कम हो ही जाएगा। और मैंने मेम्ब्रेन मंगाया था 4-5 दिन पहले, मतलब 7-8 दिन हो गया, रिटर्न पॉलिसी भी ख़त्म हो गया था। और उसके बाद कस्टमर के यहाँ लगा दिए, उसका TDS कम ही नहीं हो रहा था। 2-3 दिन के बाद कस्टमर ने फ़ोन किया, पानी में बिल्कुल टेस्ट नहीं है। अब मैं क्या करता, मजबूरी में जाकर मुझे दुकान वाला मेम्ब्रेन लगाना पड़ा उनके यहाँ, और मेरा वो पैसा वेस्ट हो गया, मेम्ब्रेन मैंने फेंक दिया। अब मैं ये सब बात आपको बताता तो आपको भरोसा नहीं होता, इसलिए आज फिर मुझे एक मेम्ब्रेन मंगाना पड़ा है सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। देखिए पैक है ये, मैंने डॉ का मेम्ब्रेन ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट नंबर ऑर्डर नंबर सब मिलवाऊंगा आपको इससे। एक बार तो मोटर भी मंगवाए थे, 2-3 महीने मोटर चला, उसके बाद प्रेशर ही ख़त्म हो गया। मोटर जो 2200-2300 का है वो मुझे 1100 में ही ऑनलाइन नज़र आया था। मैंने भी लोभ आ ही जाता है किसी को भी इतना इतना मार्जिन देखकर, मैंने मंगवा लिया। 2-3 महीने के बाद प्रेशर लो हो गया, वहाँ भी बेइज्जती हो गई मेरी। तब से मैंने कान पकड़ लिया ऑनलाइन सामान को। लेकिन कुछ कस्टमर नहीं समझते हैं तो उनके लिए ये वीडियो। डॉ का मेम्ब्रेन मार्केट में 1880-1890 रुपये के आसपास, लगभग मान लीजिए 1900 रुपये का होलसेल में मुझे मिलता है। मैं 15% उस पर मार्जिन रख के बेचता हूँ, लगभग 2200 का डव का मेम्ब्रेन। इसका देखिए, इसमें 574 में ही मुझे मिला ऑनलाइन। इसका देख लीजिए आईडी वगैरह, ऑर्डर आईडी देख लीजिए बढ़िया से, आपको फ्लिपकार्ट पे भी मैच कराऊंगा जिससे आप मुझे ये ना कह सकें कि फर्जी दिखाया मैंने। यहाँ देखिए, ये भी डव का मेम्ब्रेन है, ये 1168 में दिखा रहा है। फिर देखिए दूसरा 1949 रुपये का दिखा रहा है। फिर ये जो मैंने लिया ये भी डॉ का ही है, 574 रुपये का दिखा रहा है। सारा फ्लिपकार्ट पे ही, अमेजन का भी यही हाल है। फिर देखिए एक 799 का दिखा रहा है, और मैंने जो ऑर्डर किया था वो भी आपको दिखा दो। ये देखिए डॉ का मेम्ब्रेन मैंने ऑर्डर किया था, भेज दिया मुझे CSM। अब बताइए मैं क्या करूँ, किसको कहने जाऊँ। और CSM भी भेजा तो वो भी ऑर्डनरी CSM है, DCSM, वो भी ओरिजिनल भेजता तो मैं सोचता कि चलो भाई, वो भी दिखाते हैं आपको कि CSM भी कैसे ऑर्डनरी है, दुकान वाले से कंपेयर करके दिखाते हैं। अब बताइए, ये भी दुकान से लिया हुआ मेम्ब्रेन है, इसका प्रिंट है 1999। ये हम लोगों को 15% कम पर मिल जाता है दुकान में। अब आपके सामने ही हम इस ऑनलाइन वाले को खोलते हैं। ये डॉ का मेम्ब्रेन मैंने ऑर्डर किया, आपको ऑर्डर आईडी भी दिखाई दिया। अब इसे हम खोलते हैं, क्या आपके आगे ही खोलते हैं इसे। वैसे यहाँ के लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। कभी मोदी जी बोल देते हैं 15-15 लाख रुपया मिलेगा, कभी तेजस्वी यादव आके बोल देते हैं पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। देख ही रहे हैं आप लोग क्या नतीजा है, कहाँ नौकरी मिला कहाँ 15 लाख रुपया मिला, वही हाल ऑनलाइन मार्केट का भी। ये मैंने डॉ का मेम्ब्रेन ऑर्डर किया था, ये फ्लिपकार्ट का ही पैकिंग किया हुआ है। इसमें देखते हैं क्या है,
ये मैंने किया तो था डाओ का मेम्ब्रेन, इसमें आ गया है CSM का मेम्ब्रेन। CSM बेचा, वो भी ऑर्डिनरी CSM। आपको क्वालिटी अभी ही मैं दिखाता हूँ पैकेट से ही। ये ऑनलाइन वाला है, ये ऑफलाइन वाला। आपको पैकेजिंग से ही समझ आ जाएगा कि फ्लिपकार्ट अमेजन पे कौन सा सामान आता है। देखिए आप दोनों को ध्यान से, इसका पैकिंग देखिए, ये ओरिजिनल मेम्ब्रेन है। इसका देखिए एयर टाइट है चारों तरफ से, पूरा वैक्यूम करके अच्छे से पैक किया हुआ रहता है। ये ओरिजिनल है, देखिए पूरा एयर टाइट है इसमें चिपका हुआ। और ये देखिए, ये ऑनलाइन वाला है, पूरा फिसड्डी सा पैकेट। ये देखिए कहीं भी एयर वेयर टाइट वाइट नहीं है, पूरा हिल रहा है मेम्ब्रेन। देखिए आपको दोनों की पैकिंग साथ में देखिए समझ आ जाएगा। ये और दुकान वाला है, देखिए ओरिजिनल वाला, देखिए। और ये जो है, ये दुकान वाला, ये ऑनलाइन वाला है। इसे देखिए, दोनों को दिखा रहा हूँ मैं, ओरिजिनल और ऑनलाइन वाले में क्या फ़र्क होता है। देखिए नंबर वगैरह सारे मैच करा दिए हैं। ये ओरिजिनल है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया, ये भी मैंने डाओ का मंगाया था, दे दिया उसने CSM का। एक तो ये गलती है, उसके बाद ये डी मेम्ब्रेन है। इसका देखिए पैकिंग वगैरह कितना ढीला सा है, मैंने फाड़ा नहीं है कहीं से पैकेट भी। देखिए पैकेट पूरा सील है, देखिए कहीं भी फटा हुआ छेद छाद कहीं कुछ नहीं है। अभी आपके सामने ही फाड़े हैं, देखिए ये ऑनलाइन वाला है। ये 3 गुना कम रेट पर मिल जाता है, ये मुझे इस पर होलसेल जो रेट है 1 रुपया नहीं छोड़ा जाता है। ये दुकान का है, मैं दुकान से लेकर डाओ CSM वोल्ट्रॉन सारे लगाता हूँ। ऑनलाइन आप लोग को दिखाने के लिए मंगाया, मैं बहुत बार धोखा खाया हूँ, 2-3 बार मोटर मेम्ब्रेन में। सेंटिमेंट कार्बन भी मंगाया तो बहुत बार, उसमें जो कार्बन होता है कोयला वो नारियल का होना चाहिए, दूसरा कार्बन था। बहुत बार धोखा खाया हूँ, तब से छोड़ दिया। देखिए इतने पे भी कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ लोग फिर भी होशियार समझ रहे होंगे अपने आप को, तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अक्सर कहा करते थे कस्टमर कुछ कि ऑनलाइन तो बहुत अच्छा सामान मिल जाता है, बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। तो भाई चलो, एक मैंने एक बार खर्च किया आप लोग को दिखाने के लिए, आपको अब क्या करूँ, पब्लिक समझता ही नहीं है कुछ। भारत के लोगों को बताएं मूर्ख बनाना बहुत आसान है, कुछ भी कह दीजिए तुरंत मान लेगा, बिना सोचे समझे नफ़ा नुकसान की। 2000 का चीज़ 400 में कैसे कोई बेच सकता है, 500 में कैसे बेच सकता है। लेकिन क्या करिएगा, ऐसे ही गुलाम थोड़ी रहा। उस कस्टमर कहेंगे मैंने तो ऑनलाइन मंगाया था, मेरे में तो काम कर गया। तो भैया आपके ज़मीन का TDS बहुत कम होगा, ये डी क्वालिटी का मेम्ब्रेन होता है, ये 200-400 तक TDS रहा तो कम कर देगा कुछ दिन के लिए, लेकिन परफेक्ट ओरिजिनल के तरह काम नहीं कर सकता है। किसी किसी का ज़मीन का ही पानी अच्छा है, तो उसको हल्का फुल्का फिल्टर करना है तो डी वाला भी कर देता है, रहता तो मेम्ब्रेन ही है, मिट्टी थोड़ी ना रहता है।